हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हमें CHSL का फॉर्म अप्लाई करना है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। दोस्तों फॉर्म किसी भी जॉब के लिए हो दोस्तों बहुत ही सावधानी से भरना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म हम भर देते हैं, कहीं कोई गलती कैटेगरी में गलती कर देते हैं, किसी नेम में डेट ऑफ बर्थ में गलती कर देते हैं। तो साथ ही एक लाइफ का सवाल होता है कि फॉर्म भरने में अगर कोई गलती हो जाती है तो हमें जिंदगी भर का पछताना होता है। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो, SSC की नहीं, आप किसी भी स्टेट के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, तो फॉर्म को बड़ी सावधानी से और इंस्ट्रक्शन को, खासकर इंस्ट्रक्शंस को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें। एक बार नहीं दो बार पढ़ें और बहुत अच्छी तरह से समझकर हर एक पॉइंट्स को अपने दिमाग में नोट करें, और जैसे जैसे फॉर्म में पूछता जाता है उस हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करते जाना है। दोस्तों आज हम उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है SSC CHSL का एग्जाम कब फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको कंप्लीट फॉर्म बताऊंगा किस तरह भरना है, हर एक स्टेप आपको बताऊंगा और फॉर्म भर के आपको बताऊंगा, एक डेमो दिखाऊंगा आपको। तो उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को स्टार्टिंग से और लास्ट तक ये वीडियो आपको देखना है और मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है फॉर्म फिलअप करने में। और दूसरी बात दोस्तों, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे दोस्तों, मैं अपने हिसाब से जितनी अच्छी मेरे होती है वो अच्छी जानकारी मैं आपको देता हूँ, मगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो उसके लिए मुझे कमेंट जरूर करना। और दोस्तों मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम SSC की होम पेज पर और वहाँ देखेंगे कि CHSL का फॉर्म हमें ऐसे अप्लाई कैसे करना है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत फीड हो जाती है तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है दोस्तों। तो उससे बचने के लिए हम आपको बताएंगे किस प्रकार हमें SSC का फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ से होम पेज पर चलते हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो साथियों अगर किसी ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है SSC में, क्योंकि SSC में किसी पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप कभी भी दोबारा किसी पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो वही रजिस्ट्रेशन और वही पासवर्ड आपका चलेगा। तो साथियों हम यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपना जो भी डिटेल्स हम एक बार रजिस्टर्ड कर देंगे, उसके बाद हमें बार बार उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमारे सामने होगा और हम जब भी आप SSC का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस यूजर आईडी और पासवर्ड से हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो और चाहे किस भी डेट में आप उसको अप्लाई करना चाहते हो। तो आपका जो एक बार यूजर आईडी और पासवर्ड SSC का जनरेट हो जाता है, उसके बाद आपको दोबारा यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा यूजर नेम और पासवर्ड में जाकर लॉगिन कर सकते हैं और अपने फॉर्म की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर सकते हैं और फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 तारीख को नोटिफिकेशन आया था SSC की तरफ से, CHSL के जो वैकेंसीज हैं नोटिफाइड हुई हैं। तो दोस्तों आज 6 तारीख है तो थोड़ा स्लो चल रहा है नेट, थोड़ी ज़्यादा प्रेशर है इस साइट पर, तो साथियों थोड़ा इंतज़ार करना होगा आपको। तो आप यहाँ देख सकते हो डू यू हैव एन आधार, तो साथियों हमने यहाँ आधार डाल दिया, अगर नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद वेरीफाई आधार आएगा, उसके बाद टाइप ऑफ आईडी, आप आईडी में कोई भी अपनी आईडी प्रूफ डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल देते हैं हम। उसके बाद साथियों यहाँ हम डालेंगे आईडी नंबर, जो हमने आईडी डाली है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, हमारे पास पैन कार्ड की आईडी थी तो हमने यहां से अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों नेम शुड बी, आप देख सकते हो नीचे नेम शुड बी सेम एज मेंशन ऑन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, जो मैट्रिकुलेशन की जो डेट ऑफ जो हमारी सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर हमें सेम टू सेम एज इट इज अपना नाम डालना है, और वेरीफाई नेम, और वही नाम हमें नीचे डालना होगा जो हमने ऊपर डाला है, कोई भी उसके अंदर बदलाव नहीं होना। चेंज नेम नो, हमने कोई चेंज नहीं किया, हैव यूर चेंज, तो हमने कोई नाम चेंज नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों नाम चेंज नहीं किया है तो चेंज नेम का ऑप्शन हमारा ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद फादर्स नेम, वही नेम डालना है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट में जो हमारा फादर्स नेम था, और यहाँ भी हम उसी को डालेंगे ताकि ये वेरीफाई हो जाए। साथियों अब की बार SSC ने काफी ज्यादा सख्त इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और कॉलम्स भी बढ़ाए हुए हैं, फॉर्म के जो फॉर्मेट है वो चेंज किया है, तो आपको बड़ी ही सावधानी से बार बार जो है आप देख सकते हो कि किसी भी आपको फादर्स नेम या मदर्स नेम को जो पूछ रहा है तो उसको दोबारा वेरीफाई जरूर करा रहा है।
तो ये बहुत ही ज्यादा इंस्ट्रक्शन दी हुई है आपको, बड़ी बारीकी से फॉर्म को अप्लाई करना है और किसी तरह की आपको गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों हमने यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा देखो, बार बार जिस भी इंस्ट्रक्शंस को हम डाल रहे हैं वो हमसे बार बार उसको वेरीफाई के लिए ऑप्शन मांग रहा है, तो हमें दो बार अप्लाई करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एजुकेशनल बोर्ड, एजुकेशनल बोर्ड में हम जिस बोर्ड से हमारी 10th क्लास पास है वो हमें इसके अंदर फीड करना है, तो साथ ही हमने यहाँ से फीड कर दिया है। उसके बाद वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, फिर दोबारा से वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसके बाद साथियों हम यहाँ रोल नंबर डालेंगे, तो हमने यहाँ अपना रोल नंबर डाल दिया है और फिर यहाँ वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद ईयर ऑफ पास हमसे पूछा गया है, ईयर ऑफ पासिंग, तो ईयर ऑफ पासिंग हमें डालनी है, जिस ईयर में हमारा एग्जाम पास हुआ था वो हमने ईयर इसके अंदर डाल देनी है, 10th क्लास पास हुई थी। उसके बाद इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद साथियों यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, वेरीफाई जेंडर, और लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो हमारी क्वालिफिकेशन का लेवल ऑफ सेकेंडरी है, सेकेंडरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और हमें यहाँ से अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई कर दिया है, आप देख सकते हो। यहां से हमें डालनी है मेल आईडी, हमने यहां से फिर दोबारा वेरीफाई कर देना है। तो हमसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो दोस्तों बार बार वेरीफाई कराने के लिए दूसरी बार भी वो डालनी पड़ रही है, तो आपको बहुत बारीकी से देखना है। और स्टेट, जिस स्टेट के आप रेजिडेंस है आपका स्टेट का, वो आपको यहाँ डाल देना। तो हमने लगभग सारी डिटेल्स चेक कर ली और दो बार आपको चेक भी करनी है डिटेल्स, और यहाँ हमें डिटेल चेक करने के बाद यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद साथियों अब आपके सामने हमारे जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो जनरेट होंगे उसके लिए जो नेक्स्ट हमारे से कमांड मांगी जाएगी वो कमांड हमें इसके अंदर डाल देनी है, और फिर हम उसी तरह से आगे प्रोसेसिंग चल करते जाएंगे जिस तरह हमसे फॉर्मेट में मांगता जाएगा। तो हमने यहाँ से ये कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हो कन्फर्म का ऑप्शन आया है, तो हम यहाँ से कन्फर्म कर देते हैं, और हमने यहाँ से इसको जो डिटेल हमारी जो भरी गई थी उसको कन्फर्म कर दिया। आप देख सकते हो लोडिंग चल रही है अभी, क्योंकि साइट बहुत ही ज्यादा बिजी है, अभी स्टार्टिंग हुई है। बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड इट शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 40 डेज, फाइलिंग विच विल डाटा विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, तो प्लीज चेक बोथ इनबॉक्स एंड स्पैम फोल्डर फॉर ईमेल। तो हम यहाँ से क्लिक कर देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा आ चुका है, आप यहां देख सकते हो योर रजिस्ट्रेशन पार्शियल एंड इट इज शुड बी कंप्लीटेड विद इन 40 डेज, फाइलिंग विच योर डाटा विल बी एडमिटेड। तो 14 दिन तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, उसके बाद आपका डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, प्लीज लॉग इन रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस। तो आप इस रजिस्ट्रेशन को हम यहां से कॉपी कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके यहां से कॉपी कर लिया और यहां से ओके कर दिया साथियों। तो आप यहां देख सकते हो ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, और हम अपनी मेल को देखेंगे कि हमारे मेल आईडी पर क्या आया है, क्योंकि हमने उसमें बोला गया था कि आपकी मेल आईडी पर हमने यूजर आईडी पासवर्ड सेंड कर दिए हैं। तो अब हमारी यहाँ से मेल आईडी खुल चुकी है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ चुकी हैं, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो ये यूजर आईडी हमने जो वहां से कॉपी किया था वो ये आ चुका है, पासवर्ड आप देख सकते हो ये यूजर आईडी है जो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये पासवर्ड आपका 0190। तो साथियों हम इससे जो है लॉग इन करेंगे अपने SSC पोर्टल में। तो दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट जानकारी, दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर कंप्लीट फॉर्म फिलअप करने की पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल आपको कैसा लगा, हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे इस चैनल को शेयर जरूर करना दोस्तों अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।